मिल गया मिल गया। चिट्ठा कट्ठा लेख स्विट्जरलैंड नहीं जनाब, ये कश्मीर है साड़ा, ते जन्नत है नजीर है। अस्सलाम वालेकुम, ये उम्मीद कर रहा हूँ सारे वालों सो मैं इरफान जफर सोता किरे कश्मीर टीवी। जनाब वाला सवेले सवेले ना बड़ा ही खूबसूरत टाइम है, ये 5:30 बजे ना ते तकड़े सो रेडी हो गया फुल में टश बश, जैसा मैं पिछली वीडियो पाया सी तुसा की कि सारा सफर नेक्स्ट वीडियो जड़ा उसी चिट्टे कट्ठे ना उसी इत्थू डायरेक्ट असा जा सा चिट्टा कट्ठा जनाब 7 घंटे ना सारा सफर है। बहरहाल साड़ा नाश्ता बड़ा सोहने अंदाज चाहिए गया वै, नाश्ता करने हैं इंशाल्लाह ते निकलने हैं सवेले सवेले और अज तुसे चिट्टा कट्ठा दसी के ते फिर जनाब वाला पूरी कोशिश है कि वापस इत्थे मुड़ा ते चलो जनाब नाश्ता करने हैं। साहब तैयार हो ना? तैयार है जी। फुल बिस्तरे बनी किंदे ने? बस ठीक है जी। वकास साहब कलयू कलयू नाश्ता करन लगे हुए जनाब, ते कोई असा की पूछी छोड़ो जी। यार सफर बड़ा लंबा। हां सर सा पहला पेट टूटा फिर कम हुआ। अच्छा भरा आप हमें भूखा ही मरा है जरा पूछने दी गल कोनी फायदा नहीं अपनी अपनी मर्जी। बहरहाल जनाब ए नाल परांठियां की चक मारसा नाल इना पहाड़ा ने दरमियान बैठ के ए जेडी फीलिंग है ना ए नेक्स्ट लेवल फीलिंग है जनाब। बहरहाल फीलिंग्स बाद एक्सप्लेन करने हैं ते फौरन नाश्ता करके ते इत्थों निकलने हैं। माशाल्लाह 6:30 बजे ना टाइम है ते हुण साडा सफर जेड़ा ना इत्थों स्टार्ट हो गया वै। इस बेस कैंप पर अल्लाह पाक खैर करन ते तकने हैं कि कितनी देर चिट्टा कट्ठा लग सी। एग्जैक्ट टाइमिंग मैं तुसा की सारी दसना जुलसा, इसने पहले बेस कैंप पर जेड़ा आई रहा वै बेस कैंप 2 ये वो टोटल से कितना टाइम लगी जा सी। इतना ऑक्सीजन ना थोड़ा जहा घट आ इस वजह तुसा जल्दी जड़ा वै ना फुली जाना माड़ा कहने बहुत सब गल है। अज बारिश भी बनती भी है बल्कि निकिया निकिया कणियां जड़िया ना ये लगिया अल्लाह ही जानने क्या हो सी साड़ा, लेकिन हूँ एक बार कदम चाहिए कहता तो हूँ तोड़ इंशाला चाड़ सा। बारिश जनाब फुल लगी पी है और मुकामी बंदे ये गल आने 7 घंटे लगने तो अगर बहु को सही टुरने ले बंदे आवन तो उन्हें 5 लगी जाने हूँ तकने कि असा बहु सही टुरने ले आ, या कि नॉर्मल टुरने ले आ, ये तो हूँ पता लगी सी बारिश लगी पी आस्ता आस्ता भी तेज़ होनी है। असा हूँ इतना समान कैरी ना सा करी सकने कि असा बरसातियाँ तो ये वो खड़ा तो सारा कुछ नहीं सी चाण होना। इस नाले ने अंदर जाना बस ये ढली गया ना एक बारी तो उधर बढ़ी गया तो फिर कोई नहीं अगर पता लगन ला इंशाल्लाह। हूँ साढ़े रस्ते ने नाल नाल जड़ा ना ए कट्ठा चल सी तक वहाँ दुध और पानी किस तरह आ ही रहा है। माशाल्लाह नज़र मारो हूँ बगरू साहब स्पीडा छिकी हैं। ये साढ़े सफर नहीं आले बिगनिंग है तो अगे पता नहीं आज क्या बन सी साड़ा, बहुत ज़्यादा सा चढ़ना पे आज पता नहीं इधर ऑक्सीजन घट है ट्रैक बहुत टफ है या क्या वजह। असा 20 मिनट सफर 5 मिनट रेस्ट ये असा अपनी टाइमिंग रखी है, या आधा घंटा सफर 10 मिनट रेस्ट कैरी ऑन। अगर इस ट्रैक पर सो सफर मारसो ना त्रुटी जासो तो जिला बंदा त्रुटी जा फिर अगर दिल ही मर जाना बंदे ना, लिहाजा असा ना जाने कि असा त्रुटो। बबरू साहब एक्सपर्ट हैं कहने बबरू साहब थोड़ा सफर थोड़ा रहा मंजिल आसान हो सी, मंजिल साड़ी खूबसूरत है लेकिन मंजिल तो पहले जा रस्ता ना आए हाय 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 उस तो ही ज्यादा खूबसूरत है अगे अगे तक। हूँ साड़ा रस्ता जड़ा ना ये जंगलों बिचे बिचे है नाल थल्ले कट्ठा सर तू 1 घंटा पहले टूरिस्ट चले सन
असा उन्हें कि 30 मिनट क्रॉस मारी किंदा टूरिस्ट च तो असा फर्क इतना बस हर वेल पहाड़ा नाल ही लगे रहने हैं क्या नहीं हो जी ठीक है गल है ना जनाब साड़ी ये पोजीशन है इसलिए वह कहीं चलते कहीं खलते ऐसा है थोड़ा जा चलते थोड़ा जा खलते इस तकने उस हो अपने अपने पड़ा पर पोजीशन सामी हुई है जनाब असा इंशाल्लाह असा आज रिकॉर्ड गेम करना है कि जल्द तू जल्द चिट्टा कटेगी सर करिएगा जब मुड़िया वापस भी अच्छा है जनाब वो पार जी रोड है वो पार रोड की सी उतू असा ये देखो कुछ आई गया ये थले टूरिस्ट आई रहे जो घंटा पहले असा तू निकले सर तो इसलिए असा हूं तू अद्धा घंटा अगर जान लगे जरा अगर ट्रैक आया ना सब तू खतरनाक मतलब के बहुत ही मजेदार ट्रैक है पानिया ने बिचे हूँ इतू जरा ना सा रस्ता ये चिरी गया लेकिन देखो कितना सोहना इसलिए पानी जरा ना फ्लो करी गया जनाब इतना विकास साहब को बहु मठे रह गए नजर मारो हाँ हूँ साड़ा जरा ना खतरनाक तरीन रस्ता वो शुरू बन गया है चलो चलो जल्दी नजर मारो हाँ रस्ते की कहीं खलते कहीं चलते इसी तरह हम पूछते चिट्टे कट्ठे दे चिरत पहले ट्रैक की नजर मारी गई नहीं आई टांगे कांप जाती हैं इधर ओए होए 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 ओए होए ट्रैक तो समझ आई गई उसी ना तुसें असी बोग साहब क्या हो रहा क्या ठीक जा रहे हो बेशक मुश्किल के बाद आसानी है मुश्किल रास्ता सा तय किया अगे फिर साइड तो थोड़ा आसान आई गया रास्ता सुभान अल्लाह फाइनली डैक वन नजर आई गया जनाब एपर है डैक वन इतन मुकामी बंदे आन सन के दो घंटे लग सन असा की और बहु लगे
10-15 मिनट और लग सन, यानी डेढ़ घंटे तो पहले या डेढ़ घंटे च डैक वन तक असा अलहमदुलिल्लाह पुज जा सन। जेडे टूरिस्ट साढ़े तू एक घंटा पहले निकले सन वो पिछे रही गए, तो अस यहाँ पे जाने हैं। कितनी खूबसूरत वैली है माशाल्लाह, फुल ही फुल। साढ़ा गेदरा पिछा रही गया विकास, तो उसी हथा दो मिनट डीकने हैं। जनाब आज नहीं सारी टीम की लीड करी रहे बगड़ू साहब, तो इन्होंने वह लीडर साहब बस करी जाने अज कहने बगड़ू साहब हाँ सही भाया बगड़ू साहब। भाई मैं बगड़ू साहब नाल 3 महीने ट्रेनिंग की है जनाब पैदल टुरने नहीं, तो इंशाल्लाह अज असा घट तू घट टाइम सार कर स। अपने व्यूवर्स के भी दसना जुलां भैया तो चिट्टा कट्ठा ना, मैं इस तू पहले कश्मीर की बुलंद तरीन चोटी जी है ना गंगा चोटी वो भी सार की भी है जनाबे वाला कार ने अपर को मजाक थोड़ा भाई। इतने भी पत्थर ने मकान जनाब बनते हुए पड़ा के थल लोग रहने नज़र मारो हाँ ये पड़ा ने बिच मकान बनते हुए क्या बात है जनाब। ये अपर भी ना धुआं इसलिए जारी है परांठिया नहीं कुछ बो आई रही है, लेकिन अस थोड़े जे दूर हाँ तो परांठे ना खाई सकने तो कहा इन्ह बंद जिंदगी पढ़ाने बिच किस तरह रेहन लगे हुए न। बस आया आखिरी चढ़ाई है फिर डैक वन तक असा पुजी जा सा। फुल स्पीड है जनाब बारिश लगी पी है, क्या ही मस्ताना मौसम है। आए हा 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 कहने बाबू साहब मजे ना मौसम है सख्त पर शो आया तो अपने कणिया पेनिया जरा बुखार चढ़ सी ना। आए हाय 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 कहने जी साड़ा गेदरा जेड़ा बड़ा मठा आई रहा है। बस आखिरकार असा डैक वन पर पुजी आया, नजर मारो हाँ यह डैक वन है जिते कैंप लगे, इतने जुलने कोई शाह चाह पीने अल्लाह खैर करन। इसलिए अस डैक वन पर पुजी आए जनाब, तो रेस्ट पे करन लगे हुए हैं तकरीबन असं हूँ 2 घंटे हो गए, तो 15 मिनट अस रेस्ट करने हो गए कुछ कि मैं जाते हैं। असा पूरे बैगन बैग भरे हुए बाबू साहब चेक करो हाँ कैमरामैन ना चेक कर कैमरामैन है लै इत इंशाला चाह भी पीसा अस खाने पीने ना समान हर चीज लब सी तुसा की। लो जी जनाब साड़ी चाह आई गई है डैक वन पर असा इसलिए बैठे हुए हाँ, स्पेशली इत कश्मीर टीवी ने कोई भी जनाब वाला फॉलोअर वो अच्छी दसी तो मैं दसिया इतने भाई होने जहीर भाई हो गए नदीम याफत भाई हो गए कदीर भाई हो गए इतने इन्ह त्रिया बंद कुछ की दसना जनाब अस कश्मीर टीवी नहीं वीडियो तक आए कैंप भी लभसी खाना भी लभसी तो चाह नहीं तो फिर गल ही छोड़ो ना ये गई अगे पिछे लमना पर तो देसी दुद्ध नहीं चाह सारा कुछ इतने की लभसी इतने अच्छो स्टे करो इतू आराम 2-3 घंटे अगे लाइस चिट्ठा कट्ठा इंजॉय करो चलो चाह पीने तो फिर अगे जनाब निकलने। डैक वन तक पुजने तक असा की लगी गए सन तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट, 10-15 मिनट असा रेस्ट की चाह पीती मुड़ी अगे निकले हाँ हूँ अगे तकने के अल्लाह हैर करन कितनी देर लगनी है 3 घंटे ना सफर है अगर असा सही टूर हो तो। हूँ असा कि इन्हें पड़ा चू क्रॉस करके तो जाना पे सी नज़र मारो हाँ रस्ते की नज़र मारो हाँ जनाब
इसलिए यही लगना वै कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जनाब। स्विट्जरलैंड लोग क्या गल कर रहे हैं कश्मीर ने स्विट्जरलैंड तो किस तरह पानी आ ही रहा वै और वाटरफॉल हर जगह पहाड़ों में अपनी तक कहन लगे इसलिए इधर इधर तक किस तरह यह पानी आ ही रहा वै। ये नज़र मारो हाँ किस तरह पहाड़ों ने अपरू पानी आ ही रहा वै जनाब। इधर अगे तको जिधर असा जाना वै ये हूँ सारा सा ट्रैक करना वै नाले 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 इस पहाड़े चढ़ सा तो इसने पिछे कुदरत चिट्टा कट्ठा हो सी जनाब। लेकिन सुबहान अल्लाह इस कुदरती तकी कहना तो मैं ना जितनी बारी सुबहान अल्लाह हाँ कट है पांच मिनट टुरने आ पांच मिनट रेस्ट करने आ खाली इस खूबसूरती ने बारे तुसा क्या आखसो जड़ा ये पानी आ रहा उधर ये नज़र मारो इतू अपरू हाले सानी हाइकिंग बहु है ज्यादा वै लेकिन जड़े नज़ारे न अल्लाह ने कुदरत तक ही कहना बार बार बस सुबहान अल्लाह आखने पर दिल करना। काफी ज्यादा जड़ा ना असा अल्हम्दुलिल्लाह सफर मारी आया ये पिछू सारा मैदान जड़ा क्रॉस करके आया मैं तो बगरू साहब का साहब तो पिछे कुदरे रही गए उन्होंने पता नहीं क्या बन सी बगरू साहब को खुश में वह जात क्या ख्याल है कटा बैग लगी हुई कटी कि नहीं को खुश में वह जात कटने असा इस वजह तो आते सन कि असें पता सी कि क्या उसी साढ़े नाल। ये भाई हमारे साथ हैं जी ये आधे रस्ते से हमें मिले हैं लाहौर से ये आ रहे हैं शेखुपुरा से तो इनकी भी बड़ी हिम्मत है भाई अभी तक आपकी कहाँ पे टांगी तो नहीं है अच्छा फिर ठीक है सीधा ऊपर असा ये चढ़ना मैं जितू वो पानी आ ही रहा है मुड़ी गए नाले नाले जासा ये ग्लेशियर हाले तक तकड़े नहीं गलिया इस वाटरफॉल ने असा बिल्कुल कोल ले जासा थोड़ी देर तक जनाब मैं कोई थोड़ा गलत रास्ता पे ही गया वा अल्लाह खैर करन रास्ता और सी आप वो साइड पर हो गया यहाँ से रास्ता नहीं है वहां से ही रास्ता बनाना पड़ता है इतू रास्ता तो नहीं सी लेकिन जबरदस्ती रास्ता कटिया सामने जड़ा ना फाइनल डेक है डेक थ्री माशाल्लाह इसे नाल वाटरफॉल तक हां ये तो कोल जुलसा तो फिर पता लग सी
ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਕਿ ਸਕੂਨ ਆਈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਣ ਕਿਤਨੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੈ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਦਮ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੀ ਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੁਲਨੇ ਆ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕੀ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਫੁੱਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਪਾਰਲਾ ਪਹਾੜ ਤੱਕਣੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਸਵੇਲਾ ਟੁਰੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤਾਲੇ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਡ ਸੀ ਸਾੜੀ ਗਰੈਂਡੀ ਕਾਰ ਜਿਸ ਰਾਛਣੀ ਹੈ ਇਲਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣੇ ਪੁੱਜਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਛਿਕ ਛਿਕ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈ ਉਫ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਕੇਲ ਪੁੱਜਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਥੇ ਕੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਕੇ ਮੁੜੀ ਪੁੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਪਰ, ਅਸਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਕਣੇ ਹਰੀ ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਪੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਡਿਓ ਟੀਮ ਕੀ ਲੀਡ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ 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 ਅੱਗੇ ਬੜੋ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੀ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਘੱਲੇ ਆਏ ਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਛਿੱਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਏ ਇਸ ਵੈਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਆ ਲੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸਦੀ, ਬਸ ਅਸਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਆ ਇਸ ਜੀ ਲੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਸਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਠਾ ਲੇਖ ਪੁੱਜੀ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਛੋੜੋ, 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਨਿੱਥੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਰਾਹ ਅਗਰ ਸਹੀ ਟੁਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਨਾ ਟੁਰਨੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਟੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਟੁਰਨ 8 ਘੰਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਕ 1 ਜਾਂ ਡੈਕ 2 ਜਾਂ 3 ਪਰ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਇਸੀ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ 1 ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਇਸੀ ਕਵਰ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ, ਅਸਾਂ ਇਸੀ 1 ਦਿਹਾੜੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ, ਕੇਲ ਪੁੱਜਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਜੁਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਵਾਸਤੇ
सरप्राइज भी है इस वीडियो ने बिच इंशाल्लाह वीडियो ने एंड पर जरूर शेयर कर सा। गया, मिल गया, मिल गया। चिट्टा कट्ठा लेख मिल गया। वाह वाह आखिरकार चिट्टा कट्ठा लेख पर पूरे 6 घंटे बाद पुजी आया जनाब। ओए होए 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 सुभान अल्लाह। बाबू साहब कैसा लगी रहे? हाँ मजा आया है? ये चिट्टा कट्ठा लेक है जनाब, नजर मारो। हाँ इत्थे हाथ बिल्कुल बंदे ने फ्रीज हो जाने, इतनी ज्यादा सर्दी है ना, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर। ते अगले हत्था ने तो कोई लात ही कौन रहे, बिल्कुल खून काला होना शुरू हो गया वह हत्था ने बिच। ये चिट्टा कट्ठा बहु दूरा तक फैले आवे और बहु बड़ी झील है, कोई निकी जी है झील नहीं है लेक। अगर ये पार्ट साफ हो जाए तो इसने अगर इतना खूबसूरत नज़ारा ना तुसा की दसने, अल्लाह करन अगर धुप लिखड़ी अच्छा इत्थे ते। आईनी वीडियो जनाब मैं क्लैप कर रहा टैप टैप सेंड ऐप ने नाल, जिसे तुसा अपने प्यारियां की ना कंट्रीज टू पाकिस्तान पैसे भेज सकने। और अगर तुसा हमारा प्रोमो कोड यूज कर सो कश्मीर टीवी तो 10 यूरो की फ्री लैब्स। इस लेख ने बारे च भी जनाब मशहूर है कि किस दौर च हिंदू इसनी इबादत भी करने रहे जनाब वाला, ये उन्होंने पूजा की जगह होनी सी बाकोल। इतने ने लोगों ने मुताबिक जनाब मैं इस चीज हरी पर्वत और ये चिट्टा कट्ठा लेख इन्होंने दवा ने जनाब वाला उला हिंदू कबीला इबादत करना सी। फिर 1947 बाद तुसा की पता वै कि सारे मामलात जेड़े ने खत्म हो गए, पर आज भी अगर गूगल पर चेक करो तो शायद इस हिस्ट्री मौजूद होवे। बहरहाल इसलिए सूरज निकले आवे, बहुत खूबसूरत चिट्टे कट्ठे ना व्यू है। चिट्टे कट्ठे नाल ही एक वाटरफॉल है बड़ा खूबसूरत, वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल असा जेड़ा ना छोड़ी के आए हैं पिछे, लेकिन इसने नाल जेड़ा वाटरफॉल है उसना क्या ही खूबसूरत मंजर है। 6 घंटे च असें ट्रैकिंग की है अलहमदुलिल्लाह। ते तुसा कदें भी अच्छा होवे ते अगर नो तुसा कदें भी टूरे ना तो फिर 2-3 दिहाड़े लाइक है कैंपां च स्टे करने करने अच्छा है, एक दिहाड़े च इसी करने की कोशिश ना करिए। ते जेड़े व्यूवर इत्थे आई चुके ने वह भी दस्से है, ते जेड़े अच्छे ने ख्वाहिशमंद न वह भी कॉमेंट करके दस्से है जिन्हें जिन्होंने दिल माड़ी वीडियो तो बाद जनावे वाला हली चुके आवे। बहरहाल हूँ तुसा सारे को इतना असा इन्या इजाजत, अल्लाह सुनने वाला है मिकी आपकी दुआ च याद रखिए।